वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ डिस्कस की, जिसमें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और यूनिट ऑफ मेमोरी जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स मेमोरी की डिस्कस की गई। और इसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नीड टू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे, अ कंप्यूटर नीड टू कम्युनिकेट विथ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। To do this, we need what? Okay, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए यहाँ पे, the computer need to communicate with both the hardware and software. To do this, it utilizes the services of an operating system. यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से कम्युनिकेट करना होता है, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे हम देखते हैं इसमें एक लाइन ऑफ, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। ओके, इस लाइन को हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ द सिस्टम एंड हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखें तो एक क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है कि कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डिफरेंट यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हुए हैं, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हियर, जैसे विंडोज आपका जो हम लोग यूज़ करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, सोलिस, मैक ओएस, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना तरीका होता है ऑपरेट करने का। देखिए आगे हम इसको इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। लुक एट हियर, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होगा, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट यूजर्स। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर से कैसे इंस्ट्रक्शन गेट करनी है, कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स कैसे रन करेंगे, और उनको डिफरेंट यूजर कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। यहाँ देखिए डिफरेंट यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर एन यूजर्स और सॉफ्टवेयर्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होंगे, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो उस केस में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की होती है, दैट इट मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? द प्राइम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले प्रोवाइड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर्स, प्रोवाइडिंग फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। जो हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं, देखिए यहाँ पे ये यूजर्स हैं,
यूजर कौन होता है? द पर्सन व्हिच आर यूजिंग द प्रोग्राम, वो पर्सन जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, वो यूजर कहलाते हैं। इवन यूजर में भी एंड सॉफ्टवेयर आल्सो, कभी कभी यूजर कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। लेकिन आप इस सोचिए कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग हो, तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम जो काम करते हैं, जो हमारा वर्क परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, यानी कि जो कंटेंट हमें प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, मतलब जो चीज़ हमें प्रोसेस करनी होती है, जो कंटेंट हमें प्रोसेस करने होते हैं, सीपीयू की हेल्प से किया जाता है। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग होगा तो कैसे प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, मतलब हाउ टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, ये प्रोवाइड करता है। सेकेंड, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में दो चीज़ें हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, इसमें हम तीनों को एक एक करके देखेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, देखिए व्हाट इज टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको फिगर के माध्यम से ऐसे हम लोग जब डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क द कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म और गिवन ही, तो पहला हम लोगों ने था बताया था कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कि कैसे डिफरेंट यूजर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। हम यहाँ पे एक एक करके उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। कम्युनिकेशन मैनेजर, व्हाट इज कम्युनिकेशन मैनेजर? कम्युनिकेशन मैनेजर का जो मेन काम होता है, इट मैनेज द कम्युनिकेशन नीड ऑफ सिस्टम, मैनेज द कम्युनिकेशन नीड ऑफ सिस्टम, बी इट कम्युनिकेटिंग विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, इंटरनेट एड्रेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, या डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से? ऑल द थिंग्स गेट मैनेज बाई और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, तो ऑल थिंग्स गेट बी मैनेज बाई दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइवर्स, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगी, तो उस केस में देर इज वन थिंग इट इज वेरी पॉपुलर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइवर्स, यानी जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प से कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन उनके लिए उनका ड्राइवर होना चाहिए। अगर सपोज करिए कि अगर हम कोई नई डिवाइस अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर उसका ड्राइवर नहीं होगा तो हम उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी कोई सी डिवाइस हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे हमारी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो जाती है, उसके लिए उसका प्रॉपर ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखिए ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कैसे कम्युनिकेट करना है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर, जैसे आपने प्रिंटर देखा होगा, कोई प्रिंटर हम अटैच करके प्रिंट आउट लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज वी नीड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अगर हमारे सिस्टम में ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम प्रिंट आउट का काम, जब प्रिंट आउट हम लोग सिस्टम से लेते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इन दैट केस वी नीड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए रिसोर्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स आप लोगों को जानना होगा तभी मैनेज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे तो कंप्यूटर सिस्टम द रिसोर्स वी टॉक हियर और मेमोरी ऑफ कंप्यूटर
सीपीयू टाइम, फाइल सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स गेट मैनेज। तो हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, चाहे हमारा इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे सीपीयू का टाइम हो, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स हों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो, तो सारी की सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स आर गेट मैनेज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो इनको प्रॉपरली मैनेज करना पॉसिबल नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अलग अलग काम होता है रिसोर्स हैंडलिंग में, क्या होता है, सिस्टम हैंडल्स, ओएस हैंडल, लुक एट हियर, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स एलोकेशन ऑफ सच रिसोर्सेज, प्रायोरिटी विच टू बी अलॉटेड टू वेरियस प्रोसेस गेट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करते हैं कि किस सिस्टम को यानी किस रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, और वेरियस प्रोसेस को कैसे मैनेज करें कि उनका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हम लोग गेट कर पाए। यानी जितने सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में रन कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, किसको किस टाइम पे रन करवाना है, इस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है और वही सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। ओके, कि हमारे सिस्टम से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, चाहे हमारी मेमोरीज हों, चाहे सीपीयू का सीपीयू, ऑल थिंग्स गेट मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो व्हाट डू मीन्स बाय प्रोसेस, देखिए प्रोसेस को यहाँ देख लीजिए। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम करेंटली रनिंग स्क्यूड इन द मेमोरी और वेटिंग फॉर सीपीयू। जब तक कोई हमारे लोग जानते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल स्टोर होती हैं, लेकिन उसमें से प्रोग्राम क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये हमें अंडरस्टूड करना होगा। यानी कोई फाइल प्रोसेस कब कहलाएगी जो हमारे सिस्टम में स्टोर है, और प्रोसेस इज प्रोग्राम करेंटली एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी और वेटिंग फॉर सीपीयू। यानी जो करेंटली मेमोरी में लोड हो और सिर्फ या तो रन कर रही हो या अपने रनिंग के लिए सीपीयू में वेट करना, सीपीयू में वेट कर रही हो, यानी कि मेमोरी में वो लोड हो एग्जीक्यूशन पर्पस के व्यू से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर है मल्टीपल प्रोसेस, there are multiple process in the system। मान चलिए कि हम लोग मल्टीपल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एट सेम टाइम वी आर लिसनिंग म्यूजिक, वी आर ब्राउजिंग एंड वेबसाइट, वी आर ड्राइंग एंड पेंटिंग, वी आर वर्किंग ऑन द एमएस वर्ड, हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है, दे आर डिफरेंट प्रोसेस, ये डिफरेंट प्रोग्राम ही क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देखते हैं कि सारे हम प्रोग्राम पे एक साथ ही काम करते हैं, तो इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड शेड्यूल प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारे प्रोसेस को एक साथ रन करवाना और कैसे टाइम शेड्यूलिंग किया जाए कि सारे प्रोसेस रन करते रहे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस रन करेगा और कितनी देर तक रन करेगा, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी। ओके, नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस व्हाट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो व्हाट मीन्स बाई मेमोरी मैनेजमेंट, द प्रोसेस, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट इसको हम अंडरलाइन करें। अ प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड, इट हैज लोडेड इन द वर्किंग मेमोरी इज द रैम। देखिए जो भी प्रोसेस रन करना होता है तो सबसे पहले उसको मेमोरी में लोड किया जाता है। कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है। डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी एग्जीक्यूट करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे रैम में लोड होते हैं, और लोड होने के बाद किस प्रोसेस को रन करवाना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि उनको कैसे मेमोरी एलोकेट की जाए
दो डिफरेंट प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेशन और किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, ये सारी सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज की जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी 4 GB है। ओके, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी 4 GB है, लेकिन हम जो प्रोग्राम रन करवा रहे हैं उसमें कोई एक सॉफ्टवेयर है जो 8 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके हार्ड डिस्क में। जब उसको रन करवाएंगे तो आप सोचिए कि हमारी मेमोरी 4 GB है, 8 GB का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर कैसे रन करेगा? क्या पॉसिबल है? रन करता है तो पॉसिबल है। जाहिर सी बात है कि स्वैपिंग ऑफ मेमोरी एक कंसेप्ट होता है कि जो भी मेमोरी करेंटली रन करनी होती है उसको तो हम अपने रैम में मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी की लिमिटेशन है 4 GB, लेकिन प्रोग्राम हमारा 8 GB का वो भी रन कर रहा है। तो उसके लिए हमारे हार्ड डिस्क में मेमोरी रिजर्व की जाती है, मेमोरी एलोकेट की जाती है, और जिस मेमोरी को करंटली रन करना होता है मेमोरी स्वैपिंग करके फिर उस प्रोग्राम को हमारे रैम में लोड किया जाता है, और फाइनली रैम से कैसे में कैसे से फिर रजिस्टर में हमारे कंप्यूटर मेमोरी में CPU की मेमोरी में फॉरवर्ड किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो एक कम्प्लीट चेन होता है, कम्प्लीट प्रोसेस होता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, दैट विल बी हैंडल्ड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए कहते हैं कि हमारा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ ऑल द फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टरी मेंटेनिंग ऑन द हार्ड डिस्क। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे सिस्टमेटिकली रखा जाए तो उसके लिए हम डिफरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसमें डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो ऑल द थिंग्स शुड बी मैनेज बाई व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फाइल मैनेजमेंट का जो टास्क होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है, यानी कॉपी करना, मूव करना, कट करना, डिलीट करना। और जो हमारा फाइल सिस्टम होता है इट इज़ बेसिकली टू टाइप्स, फैट एंड NTFS। पूछा सकता है, बट इस फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म पूछा सकते, गिव द फुल फॉर्म ऑफ फैट एंड NTFS। तो दो फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे आप कभी किसी डिवाइस को फॉर्मेट करते होंगे हार्ड डिस्क के थ्रू, उसमें पूछा जाता है कि NTFS या फैट फाइल सिस्टम कौन सा होगा। दोनों की लिमिटेशंस होती हैं, फैट फाइल सिस्टम में मैक्सिमम आई होप 32 GB या 40 GB तक की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जा सकता है, और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और काफ़ी एडवांस फाइल सिस्टम है होते हैं, और स्टेट में NTFS फाइल सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट टाइम आपका फाइल सिस्टम आया था वो फैट फाइल सिस्टम था, उसके रिगार्डिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को मैनेज किया जाता था। अगला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होता है सिंगल टास्क में मल्टीपल टास्क। तो सिंगल टास्किंग सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ओनली सिंगल प्रोग्राम एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। देखिए, सिंगल टास्किंग यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एट ए टाइम पे तो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इन फर्स्ट टाइम जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुआ था तो उसमें सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते थे, यानी कि एट ए टाइम दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर इज ओनली वन टास्क। और आज डेट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं किस टाइप का होता है? मल्टीपल टास्किंग। दैट मीन्स इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम। देख लेते हैं मल्टीटास्किंग, व्हाट इज मल्टीटास्किंग?
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम कर सकते हैं जो विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस आर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, द प्रोसेस टाइम इसमें जो प्रोसेस टाइम होता है देखिए मैनेज कैसे किया जाता है, द प्रोसेस टाइम इन दिस केस इज डिवाइडेड अलॉन्ग द वेरियस प्रोसेस। आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो रिस्पांस टाइम होता है, यानी कि जैसे हम लोग रिस्पांस करते हैं क्या होता है, पिको सेकेंड 10^-12 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 1/10^12 किए जाएँ तो टाइम स्लॉट में हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कंप्यूटर सिस्टम। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हम तो एक बोलेंगे तब तक 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तब तक कितने प्रोसेस कर लेगा। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो टाइम स्लॉट है उसको अलग अलग प्रोसेस के लिए डिवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिक कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जो टाइम्स है प्रोसेस टाइम को डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिवाइड करना। नेक्स्ट है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, देखिए यहाँ पे सिंगल यूजर मल्टी यूजर क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू यूज सिस्टम। जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम लॉग इन करते हैं, यूज करते हैं, देखिए यूजर एट ए टाइम काम करता है। लेकिन जो आज के डेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, चाहे हम विंडोज 7 की बात करें, 8 की बात करें, 10 की बात करें, तो उसमें मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे गेस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर 1 होता है, मान लीजिए जितने लोग लैब में जाते होंगे तो डिफरेंट वहाँ पे जो यूज़र्स दिखते हैं अलग अलग यूज़र, जितने यूज़र क्रिएट किए जाते हैं पॉसिबल है कि सारे यूज़र एट ए टाइम आपके सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग प्रोसेस होता है जिसका यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल यूज़र के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है नेटवर्किंग में। एडवांस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि हम जितने भी यूज़ यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। आपने देखा होगा जो प्राइमरी वाला लैब था तो उसमें एक सिस्टम होता था, उससे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते थे और डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर होते थे वो लॉगिन करते थे और अपना काम करते थे। इट इज़ पॉसिबल बाय यूज द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स इट हैव कैपेबिलिटी टू हैंडल द डिफरेंट यूजर एट सेम टाइम। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे टिपिकली सिंगल यूजर होते थे, लेकिन आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं दे आर मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर को कैसे हैंडल किया जाएगा, जितने यूजर्स होंगे वो अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इज हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगली कैटेगरी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लीजिए क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंश्योर दैट द रिस्पॉन्स टाइम इज फिक्स्ड और कैटेगराइज एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका रिस्पॉन्स टाइम फिक्स होता है, जैसे कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि यहाँ पे एट ए टाइम ये टास्क परफॉर्म होना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे एग्जांपल कुछ है कहाँ कहाँ पे है, एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, यानी कि उनका रिस्पांस टाइम बहुत ही फिक्स होता है, यानी कि उसमें डिले नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एन एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मस्ट फायर एज सून एज इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द एनिमी एयरक्राफ्ट बिफोर इट लिफ्ट द बम एंड फ्लाई अवे। ओके, यानी जैसे उसको सिग्नल मिला कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में एंटर कर चुका है, ऑटोमेटिकली वो बिना वेट किए हुए वो फायर हो जाता है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे भी रिस्पांस टाइम बहुत मैंडेट होता है, अगर मान चलिए कि प्रॉपर टाइम पर रिस्पांस न किया जाए
तो बहुत बड़ी ट्रेजडी हो सकती है। तो उस केस में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क होते हैं, एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करने से बेटर है कि उनको एक ग्रुप में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर जॉब आर एग्जीक्यूटेड टुगेदर एंड सबमिटेड एज ब्लॉक टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि सारे जॉब को कलेक्ट किया जाता है सिमिलर टाइप के जॉब को, इसके बाद उसको प्रोसेस को दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए कि उस टास्क को एग्जीक्यूट करें। और इस तरीके से हमारे सिस्टम का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है या हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो कम्प्लीट हुआ। यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। स्नैपशॉट लेने के बाद आप इस एक्सरसाइज को आप लोग करके एक्सरसाइज क्लीन द ब्लैंक्स, द यूनिट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द मेन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम और 1 petabyte इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ये आप लोग करके लाइएगा, अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। वेरियस फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया गया, कंपेयर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई डू यू नीड ड्राइवर्स, अभी हम लोग डिस्कस किए कि ड्राइवर्स का काम क्या होता है। तो आई होप ये सारे जितने टॉपिक्स हैं भी डिस्कस किए गए, आप उस पर आप नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। और ऐसा कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से या जैसे भी मुझे इन्फॉर्म करें, तो अगले लेक्चर में हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। इसके लिए आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, आप लेक्चर को पूरा सुने और जहाँ